दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी तादाद दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में है, फिर भी इनमें से करीब आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिससे इनके विकास और सीखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अब एक मैसिव फूड प्रोग्राम भूख और शिक्षा के बीच के इस फासले को मिटाने की कोशिश में लगा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा वक्त स्कूल में बिताएं, और हम ये भी चाहते हैं कि उनकी सेहत में लगातार सुधार आए। कुकिंग में बड़े पैमाने पर इनोवेटिव रेसिपीज और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के सबसे बड़े स्कूल लंच प्रोग्राम के लजीज सफर पर चलिए अक्षय पात्र के मेगा किचन्स में। शिक्षा का महाभोग अक्षय पात्र। ये है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का हुबली शहर। यहाँ अक्षय पात्र फाउंडेशन के स्टाफ की एक अलग तरह की ही मीटिंग हो रही है। ये कर्मचारी दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये सिर्फ 5 घंटे में अक्षय पात्र के मेगा किचन में 1,75,000 मील्स तैयार करेंगे। हिंदू ग्रंथ महाभारत में अक्षय पात्र का जिक्र मिलता है, जिसमें भोजन कभी खत्म ही नहीं होता था। ये नाम इसे वहीं से मिला है। हुबली में ये विशाल किचन 3 मंजिलों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर प्री प्रोसेसिंग एरिया में चीजों को काटने और धोने जैसे शुरुआती काम किए जाते हैं। उससे 1 मंजिल नीचे ये है कुकिंग एरिया, और सबसे नीचे है गोदाम, खाना पैक और लोड करने वाले हिस्से। पहली नजर में ये आपको शायद किसी फैक्ट्री जैसा लगेगा। जरा सोचिए, जब हमारे घर में कोई शादी या सगाई जैसा फंक्शन होता है तो हम उसके लिए कितनी तरह की तैयारियां करते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने तक तैयारी करनी पड़ती है, और हम लोग यहाँ हर रोज 1,75,000 बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं। और हमारा प्राइमरी गोल होता है कि हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खाना प्रोवाइड कर सकें। किचन मैनेजर यज्ञेश्वर दासा ऑपरेशंस के हेड हैं। इस किचन की शुरुआत 2004 में हुई थी। वो 300 से ज्यादा लोगों की टीम को लीड करते हैं। इन लोगों में तैयारी से जुड़ा स्टाफ, क्लीनर्स, कुक्स और मैनेजर्स शामिल हैं। ये मेगा किचन स्कूल के खुलने वाले हर दिन ठीक ठाक चलता रहे, ये इंश्योर करना इनका काम है। ठीक 5 घंटे की ड्यूरेशन में हम 1,75,000 बच्चों के लिए मील तैयार करते हैं। रोजाना ताज़ा खाना तैयार करने के नज़रिए से ये संख्या कोई मामूली नहीं है। शहर के किसी चहल पहल वाले रेस्टोरेंट में 4-5 घंटे की डिनर सर्विस के दौरान सिर्फ करीब 100 कस्टमर्स को ही सर्व किया जाता है। लेकिन ये किचन इतने ही समय में ऐसे 1,750 रेस्टोरेंट्स को सर्व कर सकता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर ये सर्विस सिर्फ हुबली में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में दी जाती है। 1995 में भारत सरकार ने स्कूली बच्चों को मुफ्त और पोषक आहार देने के लिए एक स्कीम शुरू की थी, और फिर 2001 में अक्षय पात्र फाउंडेशन इस स्कीम को अमल में लाने के लिए भारत सरकार के साथ जुड़ गया। आज इस फाउंडेशन के किचन्स का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि ये करीब 14,00,000 बच्चों को खाना खिलाता है, जो 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में भारत के 10 राज्यों में पढ़ते हैं। हुबली का ये मेगा किचन 800 स्कूलों के बच्चों को खाना खिलाता है। हर वेजिटेरियन मील में लगभग हर तरह की चीजें होती हैं, जैसे दूध, मिठाई, चावल और सांबर, जिसे दालों और ताजी सब्जियों से बनाया जाता है।
हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अक्षय पात्र को लेकर यह है कि हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में हमेशा आते रहें। हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी सेहत में लगातार सुधार आए। हुबली किचन में इस काम की शुरुआत गोदाम से होती है। ज्यादातर किचन्स में खाना पकाने से पहले वाली तैयारियां सिर्फ कुछ घंटे पहले ही शुरू होती हैं। लेकिन किसी मेगा किचन के लिए इतना वक्त काफी नहीं होता है। खाना बनाने की शुरुआत से पहले कर्मचारियों को सांबर बनाने के लिए 8 से 9 हजार किलो सब्जियां छांटनी होती हैं। इतनी सब्जियों से 53 हजार से भी ज्यादा वेजी बर्गर्स बन सकते हैं। हम हर तरह की सब्जी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर सब्जी में कुछ ना कुछ अलग तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और हर सब्जी की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। गोदाम में सब्जियों का स्टॉक लगातार रखा जाता है और हर 3 से 4 दिन में ताजा सब्जियां आती रहती हैं। कुछ चीजें तो आसपास ही मिल जाती हैं, लेकिन बाकी को दूसरे राज्यों से लाया जाता है। दूसरी ताजी सब्जियों के मुकाबले पंपकिन इतनी जल्दी खराब नहीं होते। हम इसे कर्नाटक के एक दूसरे हिस्से हासन या चेन्नई से मंगवाते हैं। इसके अलावा यहाँ आलू आते हैं जिन्हें आगरा से मंगवाया जाता है। ये वो जगह हैं जहाँ इन सब्जियों का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है। लेकिन सभी सब्जियाँ इतनी दूर से नहीं आती, बहुत सी आसपास के खेतों से भी यहाँ पहुँचती हैं। सब्जियाँ चाहे जहाँ से भी या कितनी भी दूर से क्यों ना आए, उन्हें यहाँ क्वालिटी टेस्ट तो पार करना ही होता है और ये काम शरणाबासप्पा जैसे क्वालिटी इंचार्जेस के हवाले है। उन्हें ये इंश्योर करना होता है कि खाने में सफाई और सेफ्टी के मामले में कोई लापरवाही ना हो। सब्जियां बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। हम इन्हें 40 से 60 किलोमीटर के रेडियस से मंगाते हैं और इस सफर के दौरान इन्हें नुकसान पहुंच जाता है, कुछ खराब भी हो जाती हैं, तो हम फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं और जो खराब होता है उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जो सब्जियां क्वालिटी टेस्ट में पास हो जाती हैं, वो गोदाम से आगे रवाना होकर किचन की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर प्री प्रोसेसिंग एरिया में पहुंच जाती हैं। ये प्री प्रोसेसिंग एरिया है, तो अगले दिन की कुकिंग के लिए जिन तैयारियों की जरूरत होती है उन्हें यहीं पर इसी फ्लोर पर प्रिपेयर किया जाता है। सब्जियों को छीलने और 4 हिस्सों में काटने के बाद अब वक्त आता है उन्हें क्लोरीन वाले पानी में अच्छी तरह धोने का। इसके बाद इन्हें मशीन से काटा जाता है। लेकिन टमाटर जैसी पेरिशेबल चीजों को कुकिंग टाइम पर ही काटा जाता है। तब तक इन्हें एक रात कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अगली सुबह ये चीजें नीचे अनोखे ढंग से डिजाइन किए गए इस मेगा किचन में पहुंचती हैं। आमतौर पर अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री या किचन बेस्ड इंडस्ट्री को देखेंगे तो सारा काम ज्यादातर एक ही फ्लोर पर किया जाता है, लेकिन इस अक्षय पात्र हुबली किचन में हमने एक अनोखा बदलाव किया है। हमारा ये पूरा किचन काफी मॉडर्न है और ये कॉम्प्लेक्स ग्रेविटी फ्लो पर बेस्ड है। लेकिन ग्रेविटी का इस सबसे क्या ताल्लुक है? इस सवाल का जवाब हमें अक्षय पात्र के इस मेगा किचन में दिन निकलने से पहले मिल जाता है। कर्नाटक के हुबली शहर में सुबह के 3:30 बजे हैं। अक्षय पात्र के बॉयलर रूम्स ने अपनी विशाल भट्टियां सुलगा दी हैं। ये आग वो भाप पैदा करेगी जो मेगा किचन तक पहुंचेगी, ताकि सिर्फ 5 घंटे में करीब 1,75,000 स्कूली बच्चों के लिए लंच तैयार किया जा सके।
खाना पकाने का काम अब से आधे घंटे से भी कम वक्त में शुरू हो जाएगा, लिहाजा जरूरत की हर चीज तैयार होनी चाहिए। और इस काम को करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन इंचार्ज उमेश बालरेड्डी पर है। हम रोजाना अलग तरह की सांबर तैयार करते हैं। आज के मेन्यू में चावल और सांबर है। आज के सांबर का नाम है मुरलीधर सांबर। सुबह 3:30 बजे तक हम इसमें मिला देते हैं धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, चक्की और जीरा। हम इन सारे मसालों को आपस में मिलाकर रखते हैं ताकि सांबर बनाने के लिए सब कुछ तैयार रहे। सांबर दक्षिण भारत की एक खास डिश है। ये हर भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है और इसमें ये स्वाद आता है 600 से 700 किलो मसालों की वजह से। इनके रोजाना एकदम सटीक बैचेस बनाए जाते हैं। सांबर सब्जियों की वजह से पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो रात भर कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने के बाद चॉपिंग सेक्शन में लाई जाती हैं। अब सभी बिना कटी सब्जियों को काटा और कसा जाता है। इनमें नारियल भी शामिल है। रोजाना यहाँ 400 से 500 ऐसे नारियल कसे जाते हैं। इस बीच इस फ्लोर पर एक पूरी टीम चावल और दालों को धोने के काम में जुटी रहती है। ये टीम वॉश लाइन में लगातार अनाज से भरे टबों को धोती रहती है। इस दौरान ये लोग सिर्फ उंगलियों के इशारों से आपस में बातचीत करते हैं। हुबली के इस किचन से सिर्फ स्कूली बच्चों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि ये एक अनोखे ढंग से समाज के दूसरे वर्गों को भी लाभ पहुंचाता है। यहाँ प्रेप फ्लोर पर सुनने में अक्षम लोगों को काम पर रखा जाता है। हम एक एनजीओ हैं, तो हम लोगों की मदद ज्यादा और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। इन लोगों को दूसरे एरियाज में और ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका नहीं मिला है, तो हमने सोचा कि उन्हें यहाँ रख कर इस्तेमाल किया जाए। यहाँ इनके लिए फायदा ये रहता है कि ये इस मेगा किचन के शोर शराबे में बिना बोले ही आपस में बातचीत कर पाते हैं। जब हर चीज को बहुत ध्यान से तैयार कर लिया जाता है और फिर उसे धोकर उसके सही वजन वाले बैच बन जाते हैं, तो अब एक ही काम बचता है, कुकिंग। लेकिन इस काम के साथ एक बड़ी चुनौती जुड़ी है। कुकिंग का काम एक मंजिल नीचे होना है, तो ऐसे में टनों वजन वाली ये चीजें कुछ ही मिनटों के अंदर वहां तक कैसे पहुंचाई जाएंगी? यहां दूसरी मंजिल पर प्री प्रिपरेशंस चलती रहती हैं, और ये तमाम चीजें इस पाइप के जरिए अगले लेवल तक पहुंचती हैं, जहां पर खाने को पकाया जाएगा। और यही है अक्षय पात्र मेगा किचन का वो खास राज। इसे कहते हैं ग्रेविटी फ्लो मैकेनिज्म। हर चीज को अब नीचे भेजा जाता है। ये चीजें स्टराइल शूट्स के जरिए नीचे वाली मंजिल तक पहुंचती हैं, और इस काम में इनकी मदद करती है सिर्फ ग्रेविटी। ये एक ऐसी किचन नहीं है जिसे हमने कहीं और देखा हो या फिर उसके डिजाइन को हूबहू कॉपी कर दिया हो। नहीं, ये एक नए तरीके से डिजाइन की गई किचन है, वेरी इनोवेटिव। ये है कुकिंग एरिया। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन मौजूद हैं, जिनमें से हर एक घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर से 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ एक तरफ सांबर सेक्शन है। यहाँ 1200 लीटर क्षमता वाले 8 बर्तनों में सिर्फ 90 मिनट में स्वादिष्ट सांबर का एक बैच तैयार हो जाता है। एक बार में दालों, मसालों और सब्जियों का एक लॉट डाला जाता है, और ये एक सटीक सीक्वेंस है। दूसरी तरफ एक कतार में चावल बनाने के लिए 10 बर्तन मौजूद हैं। इनमें से हर एक में सिर्फ 15 मिनट में 100 किलो चावल उबल सकते हैं। यहाँ किसी भी कुकर के नीचे आग नहीं जल रही है, तो फिर काम इतनी तेजी से होता कैसे है? इस सवाल का जवाब यहाँ इस कमरे में मौजूद है।
हाई प्रेशर वाली भाप बॉयलर रूम से किचन पाइपलाइन के जरिए यहाँ पहुँचती है और उसकी मदद से ही इन बर्तनों में खाना पकता है। खाना पकाने के लिए बेसिकली हम हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन कारण यह है कि एलपीजी या कोई और दूसरा फ्यूल खाना इतनी तेज रफ्तार से नहीं पका पाएगा और यहाँ पर खाना बहुत बड़े स्केल पर बनता है। लेकिन ये स्केल है कितना बड़ा? इस मेगा किचन में किसी आम दिन इस्तेमाल होने वाली चीजों की तादाद कुछ इस तरह से है। आज हम 6000 किलो सब्जियां पका रहे हैं, इसके अलावा 12000 किलो चावल और 2500 किलो दाल भी। सांबर वाले हर बर्तन में ऐसे 500 किलो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। मिठाई बनाने के लिए 600 किलोग्राम गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस मेगा किचन का स्केल ही सिर्फ बड़ा नहीं है, ये बात इसके मेन्यू पर भी लागू है। अक्षय पात्र की इस हुबली किचन में हर दिन एक अलग तरह का सांबर बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए ताकि खाने को लेकर नखरे करने वाले बच्चों को भी ये पसंद आए। हमारा बनाया खाना बच्चे खाते हैं और हम जानते हैं कि बच्चे आमतौर पर कैसे खाना खाते हैं। माँ बच्चे को गोद में बिठाती है, कभी वो चांद दिखाती है, सूरज दिखाती है, कभी कहानी सुनाती है, और फिर भी बच्चा बहुत ही थोड़ा सा खाना खा पाता है। मगर यहाँ स्कूल में उन्हें खाना खिलाने वाला कोई भी नहीं है, तो उन्हें खुद ही जाकर अपना खाना लेना पड़ता है और खाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है टेस्ट को। और टेस्ट भी ऐसा जो एक नहीं बल्कि हजारों बच्चों को अच्छा लगे। अक्षय पात्र में खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली एक बहुत ही खास टीम है जो एक साथ मिलकर नई नई रेसिपीज बनाती रहती है। टेस्ट के अलावा हर डिश में बढ़ते बच्चों के लिए जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करें। हम जब भी कोई नई रेसिपी बनाते हैं उसे सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ और अगर मुझे ये पसंद आती है तो उसके बाद मैं इसे 100 लोगों के लिए प्रिपेयर कराता हूँ और फिर इसे हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या फ्लोर मैनेजर्स को टेस्ट कराते हैं। फूड टेस्ट करना एक खासा मुश्किल काम है। ये ग्रुप नई रेसिपी की जांच करता है लेकिन रोजाना खाना परोसे जाने से पहले उसकी क्वालिटी पर भी नजर रखता है। और जब वो सारे लोग अग्री करते हैं कि ये सांबर अच्छी है तो हम इसे बनाते हैं मास स्केल पर। इधर कुकिंग एरिया में चुनी गई रेसिपीज को अब 100 किलो क्षमता वाले बर्तनों में पकाया जाता है। इस बीच क्वालिटी इंचार्ज इस पूरे प्रोसेस पर कड़ी नजर रखता है। कितना है? सर यार होल्ड इट। हाँ देखो, राइस और सांबर का टेम्परेचर रेंज हम 90 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हमारी कुकिंग इसी रेंज के बीच में हो। तो टेम्परेचर पर नजर रखने की वजह ये है कि अगर फूड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो तो वो मर जाएं और फूड सेफ हो। इस थर्मामीटर से की जा रही जांच खाने की सुरक्षा के सिलसिले में की जाने वाली कई जांचों में से एक है और इसकी शुरुआत काफी पहले से ही हो जाती है। यानी जब गोदाम में चावल और चुनिंदा अनाजों से भरे बोरे आते हैं और इस मेगा किचन में दाखिल होते हैं। अक्षय पात्र के हुबली किचन में रोजाना 12 से 15000 किलो चावल इस्तेमाल होता है। हाथों से इतनी बड़ी तादाद में अनाज को इतने अच्छे और तेज ढंग से साफ नहीं किया जा सकता, तो ये काम करती हैं मेगा मशीन्स। सफाई के बाद हम इन चीजों को वापस बोरों में भरकर तो रख नहीं सकते क्योंकि ये काफी मेहनत वाला काम होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे पास ये साइलोज हैं जिसे हमने इम्पोर्ट किया है स्पेन से। ये आम घरों में इस्तेमाल होने वाले एयरटाइट कंटेनर जैसे ही हैं। वो थोड़े छोटे होते हैं मगर ये काफी बड़े हैं।
हुबली किचन में इस्तेमाल होने वाले चावल का हर बैच इन्हीं एयरटाइट साइलोस से होकर गुजरता है। इनमें खास सेंसर लगे हैं जो उपलब्ध स्टॉक पर नजर रखते हैं। रोजाना हमें प्रोडक्शन टीम से चावल की जो डिमांड मिलती है, जैसे कि 14 या 15 टन, हम उसी हिसाब से इन चावलों को डे साइलो में शिफ्ट कर देते हैं जो मेरे लेफ्ट साइड पर है। तो यहाँ से ये चावल प्री प्रिपरेशन एरिया तक पहुँच जाता है। जब चावल कुकिंग एरिया तक पहुँचता है तब तक इसकी अशुद्धियाँ दूर हो चुकी होती हैं। लेकिन फिर भी क्वालिटी इंचार्ज को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ किचन में एक दिक्कत पैदा हो गई है। पता नहीं सॉफ्टनर की प्रॉब्लम है या बॉयलर की, देखना पड़ेगा। इन चावलों का रंग तो काफी खराब है। वेरी बैड सर, बहुत ही बुरा। एक्चुअली इसमें से स्मेल भी आ रही है, तो हमने पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया है। तो अब हम इन चावलों का क्या करेंगे? हम इसे वापस कॉन्ट्रैक्टर को भेज देंगे। आप इन चीजों की बराबर जांच करते रहिए, क्योंकि हम बर्बादी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रिजेक्ट किए गए चावल को यहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन जांच पड़ताल जारी रहती है। ये सारा मामला एक स्पेशल कोड पर टिका है, जिसे खाने के हर उस बैच को दिया जाता है जो प्री प्रोसेसिंग एरिया से निकलता है। इस कोड को ट्रैक करके टीम्स जान जाती हैं कि ये दिक्कत हुई कैसे, और वो फौरन एक्शन ले सकती हैं। किचन मैनेजर यज्ञेश वरदासा बताते हैं कि एक बार कैसे इस सिस्टम ने एक बड़े हादसे को होने से रोका था। एक दिन हुआ ये कि जब हमारे सुपरवाइजर सांबर का टेम्परेचर नाप रहे थे, तो उनके हाथ में जो थर्मोमीटर था वो अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ से छूटा और सांबर में गिर गया। जब तक यज्ञेश वरदासा अपने ऑफिस पहुंचे और उन्हें इस हादसे के बारे में बताया गया, तब तक थर्मामीटर ग्रेविटी फ्लो सिस्टम से गुजरकर खाने में पहुंच गया था और खाना स्कूल की तरफ रवाना हो रहा था। और फिर इमीडिएटली हमने उसको ट्रेस किया और हमने पता लगाया कि कितने नंबर के कॉल्ड्रन में इसे पकाया गया था। और इस जांच पड़ताल के दौरान हम उन वैन्स के बारे में जान पाए जो पर्टिकुलरली इस सांबर के बैच को ले जा रहे थे। तो हमने इन सारे बर्तनों को वापस मंगवा लिया और शाम के वक्त उन सब की जांच की गई, तो हमें वो थर्मामीटर बर्तन में मिला। उस दिन हुबली मेगा किचन के स्मार्ट सिस्टम ने एक हादसा होने से बचा लिया, लेकिन प्रोडक्शन टीम कभी भी अपनी चौकसी को कम नहीं कर सकती, खासकर इसलिए क्योंकि हजारों गर्म लंच पैक करके समय से स्कूल पहुंचाने के लिए तैयार जो किए जाने हैं। रोजाना की तरह अक्षय पात्र किचन दक्षिण भारत के पूरे हुबली क्षेत्र के हजारों बच्चों के लिए स्कूल लंच तैयार करने में जुटा है। आज किचन के रेगुलर क्रू के साथ साथ अक्षय पात्र के चेयरमैन मधु पंडित दासा भी मौजूद हैं। वे खुद इंजीनियर हैं और ये देखने को उत्सुक हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किचन के कामकाज में भी किया जा रहा है। लेकिन अपने इस सालाना दौरे के चलते उनके दिमाग में एक कहीं बड़ा लक्ष्य है। वो रोजाना पूरे देश के लिए बनाए जाने वाले 14 लाख मील्स की संख्या तिगुनी करना चाहते हैं। हम 2020 तक 50 लाख बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। बेशक ये एक बड़ा टारगेट है किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन हमने शुरुआत सिर्फ 1500 बच्चों से की थी। हमने बहुत कुछ सीखा और हम ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। हुबली मेगा किचन एक ऐसा मॉडल है जिसे ये संस्थान पूरे देश में मौजूद अपने नेटवर्क में अपना रहा है। उस दौर में हमें ये पता चला कि फूड इंडस्ट्री में ऐसी मशीनें मौजूद नहीं थीं जो कि चावल, दाल या चपाती बना पातीं, इतनी तादाद में मील्स बना पातीं जो हम चाहते थे। इसलिए अक्षय पात्र ने अपनी ही रिसर्च और नई नई खोजें शुरू की। इतना ही नहीं, हम तो अभी अपनी किचन के डिजाइन को और भी सुधार रहे हैं। इस स्केल को बढ़ाने का लक्ष्य कुछ नया यानी इनोवेशन करने पर टिका हुआ है।
जैसे कि एक नई तरह का ईंधन जो किचन की भट्टियों को चलाता है। इन छोटी छोटी डिस्क्स को कहा जाता है ब्रिकेट्स। ये चावल की भूसी, इमली और मूंगफली के छिलकों जैसे कुदरती वेस्ट को मिलाकर बनाई जाती हैं। एक दिन के खाने के लिए जरूरी भाप पैदा करने में करीब 4000 किलो ब्रिकेट्स की जरूरत पड़ती है। किचन में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करके हमने फ्यूल पर 60% की सेविंग कर ली, और ये काफी बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि इस खाने का स्वाद वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ गया। नई तरह के इनोवेशन से इस नॉन प्रॉफिट मेगा किचन को कई फायदे होते हैं, जिसका लक्ष्य है बेहतरीन सेवा देना लेकिन खर्च कम करना। सबसे बड़ी चुनौती पैसे की होती है। मान लीजिए एक मील बनाने पर 7 रुपए खर्च होते हैं, जिसमें से 4 या 4.5 रुपए हमें सरकार से मिल जाते हैं, लेकिन बाकी पैसा हमें दान देने वालों से, समाज का भला चाहने वालों से मिलता है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वेल विशर्स हैं, और वो चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का और विस्तार हो। सुबह के 6:30 बजे हैं। इस वक्त पूरे हुबली में ज्यादातर स्कूली बच्चे सो रहे होंगे, लेकिन पैकिंग सेक्शन में खाना न सिर्फ बन गया है बल्कि वो पैक होकर डिस्पैचिंग के लिए तैयार भी है। साढ़े 3 से 4.5 हजार बर्तनों में गर्मा गर्म खाना पैक किया जाएगा। ये खाना अभी अभी ऊपरी मंजिल पर बनकर तैयार हुआ है। एक बार फिर वजन उठाने का काम ग्रेविटी करती है। पका हुआ चावल एक मंजिल नीचे पहुंचता है और गर्मा गर्म सांबर बर्तनों से निकलकर विशेष पाइपलाइन से होते हुए पैकिंग फ्लोर के सांबर टैंक्स में पहुंचता है, जहां से रोजाना करीब 28,000 लीटर सांबर गुजरता है। टैप खोलने पर सांबर उनमें से निकलकर सही मात्रा में हर बर्तन में भरता जाता है। यहाँ चावल भी ऊपर से नीचे पहुँचते जाते हैं और उन्हें बड़ी सफाई से कंटेनर्स में पैक कर दिया जाता है। हम रोजाना करीब 2000 बर्तन चावल पैक करते हैं। यहाँ चावल के बर्तन को शूट के ठीक नीचे रखा जाता है और स्टील की इस प्लेट को खोलकर चावल को बर्तन में भर दिया जाता है, और इस तरह चावल पैक हो जाता है और फिर इस बर्तन को मैकेनाइज्ड कन्वेयर पर रख दिया जाता है, जो जुड़ी होती है लोडिंग बे के साथ। इस बर्तन को लोडिंग बे में भेजने से पहले हम इस बर्तन पर बैच नंबर चिपका देते हैं। बैच नंबर को आप किसी बर्तन का आइडेंटिटी कार्ड नंबर कह सकते हैं। इस कोडिंग से ये पता लगाना आसान हो जाता है कि इन कंटेनर्स के अंदर क्या है, ये कौन सी वैन में जा रहे हैं और ये किस स्कूल को भेजे जा रहे हैं। हम जरूरत के हिसाब से इन बर्तनों को लोड करते हैं और गाड़ियों में भेज देते हैं। मैं यहाँ सारे बैच नंबर नोट कर रहा हूँ। इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा बर्तन कौन से बैच से है, और साथ ही ये भी कि कितने बर्तन लोड किए जा रहे हैं। इन्हें लोड करने के बाद दरवाजा बंद करके इन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल के लंच मेन्यू में एक और चीज भी होती है, स्थानीय डेयरीज द्वारा सप्लाई किया गया दूध। ये जरूरी है कि दूध स्कूलों को एकदम ताजा ही भेजा जाए। हालांकि दूध बेचने वालों की पहले से ही ठीक से जांच पड़ताल हुई होती है, फिर भी हर पैकेट को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। हमें रोजाना लगभग 10,000 लीटर दूध मिलता है। हम इनके पैकेट्स को पानी में धोते हैं और फिर स्कूलों की जरूरत के हिसाब से इन्हें बर्तनों में रख देते हैं।
इन पैकेट्स को पानी में धोने की वजह ये है कि अगर दूध के पैकेट्स में कोई लीकेज होगी या उनकी बाहरी सतह पर कोई दूसरी चीज होगी तो उसका पता चल जाएगा, इसलिए हम इन्हें पानी में धोते हैं। जब दूध के सारे पैकेट्स की जांच हो जाती है तो वो लोडिंग डॉक में दूसरे बर्तनों के साथ रख दिए जाते हैं। ये डिलीवरी वैन कोई आम वैन नहीं है। अक्षय पात्र की वैन्स खाने को गर्म और ताजा बनाए रखने के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। इनकी खूबियां हैं इंसुलेटेड भीतरी हिस्सा, दरवाजे के खुलने की जानकारी के लिए लगा सेंसर और स्पिल प्रूफ मेटालिक ग्रिड्स ताकि बर्तन ज्यादा हिले डुले नहीं। लजीज और पोषक आहार से भरी ये वैन्स अब रवाना होने के लिए तैयार हैं। जब खाना पैक हो जाता है और गाड़ी में रख दिया जाता है और वो गाड़ी कैंपस से बाहर निकल जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती है उसकी निगरानी करना। बेंगलुरु के अक्षय पात्र मील सर्विस के जरिए हुई फूड पॉइजनिंग से प्रभावित होने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों की खबरें सुर्खियां बन गई थीं। लेकिन इस संगठन का दावा है कि उनके यहाँ खाना बहुत अच्छे ढंग से बनाया जाता है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। अब हम ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन स्कूलों में हम खाना भेजते हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड बनाएं। अगर आप हमसे खाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड पानी रखें। किचन में अब कुकिंग का काम पूरा हो चुका है। जब खाना कैंपस से रवाना हो जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अब रूट सुपरवाइजर और ड्राइवर पर होती है। अब उसे अपने इस कीमती कार्गो को ऐसे स्कूल्स तक पहुंचाना होता है जो कभी कभी 80 किलोमीटर तक की दूरी पर होते हैं। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तक हम ऑफिस पहुंच जाते हैं और 7:30 तक हम खाना लेकर स्कूलों के लिए रवाना हो जाते हैं। हम रोजाना 36 स्कूलों में जाते हैं। पहले स्कूल में हम सुबह 8:30 तक पहले डिलीवरी कर देते हैं। हमारा टारगेट है कि 1 से 1:30 के बीच में खाना पहुंच जाना चाहिए। फिर भी हमें गाड़ी धीरे धीरे और काफी ध्यान से चलानी पड़ती है क्योंकि उसमें खाना होता है, जैसे कि लिक्विड फूड सांभर जो तेज चलाने पे गिर सकता है। और दूसरी बात खाने का टेम्परेचर, क्योंकि खाना गर्मा गर्म और सही समय पर बच्चों तक पहुंचना चाहिए। होन्नापुर गांव के इस स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इस गांव में सिर्फ यही सरकारी स्कूल है तो इस स्कूल में आसपास से 300 से ज्यादा बच्चे आते हैं। ये इलाका कुछ खास डेवलप्ड नहीं है तो लोग भी यहाँ बड़े रोजगारों में नहीं हैं। यहाँ का मेन काम है खेती तो लोग बस उसी से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों के लिए मिड डे मील स्कूल आने के लिए एक बड़ा आकर्षण है और इसी वजह से अक्षय पात्र की ये सेवा समाज के लिए अमूल्य हो जाती है। कलाघट की रूट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रास्ता है, बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही टफ रास्ता है। इस रूट पर स्कूलों के बीच की दूरी भी काफी ज्यादा है। अगर हम सुबह 7 बजे भी निकलते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 1:30 या 2:45 हो जाते हैं। कुछ सड़कें इतनी खराब हैं कि वैन स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाती। ऐसे में हम सबको, यानी मुझे, सुपरवाइजर, रूट बॉय को खाने के भारी बर्तन हाथों से उठाकर स्कूल तक पहुँचाने पड़ते हैं। हर रोज लगभग 40 वैन्स औसतन 3 से 4 हजार किलोमीटर का सफर तय करती हैं। ये दूरी उतनी ही है जैसे रोजाना हुबली और जम्मू कश्मीर तक का सफर किया जाए।
लेकिन वैन्स किचन से ज्यादा दूर कभी नहीं होती। ऐसा हो पाता है GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की वजह से। वैन्स जहां भी जाती हैं, मेगा किचन में मौजूद कंप्यूटर्स उस पर बराबर नजरें बनाए रखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गाड़ी हद से ज्यादा तेज तो नहीं जा रही है। अगर हाँ तो फिर उसकी लोकेशन क्या है, वो हाईवे पर है या किसी रूरल एरिया में है। ऐसे में हम उन्हें स्पीड कम करने को कहते हैं। GPS लगाने का सबसे बड़ा फायदा रूट ऑप्टिमाइजेशन में हुआ है, जिससे हमारी गाड़ियों को कम दूरी तय करनी पड़ती है। हम गाड़ी के खराब होने की हालत में बेहतर समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि गाड़ी कहाँ रुकी हुई है और क्या टाइम है, तो उन्हें किस तरह हेल्प करना है या फिर कोई गाड़ी भेजनी है वो हम जल्दी डिसाइड कर पाते हैं। GPS के जरिए गाड़ी की हर गतिविधि, उसके रुकने या खराब होने का पता लगाया जा सकता है। ये तो वैन्स के दरवाजे खुलने का भी पता लगा सकता है। वैन्स एकदम सही समय पर स्कूल पहुंच जाती हैं। खाने से भरे बर्तन अब उतारे जाते हैं, लेकिन अभी एक आखिरी क्वालिटी चेक और किया जाना है। हर बर्तन को खोलकर उसका एक टेम्परेचर टेस्ट होता है। जब बैच इस टेस्ट को पास कर लेता है, तभी खाने को स्कूल की इमारत में दाखिल होने दिया जाता है। और लीजिए, गांव के इस स्कूल में अब बच्चे खाना खा सकते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के होन्नापुर विलेज स्कूल में दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। यहाँ पढ़ने वाले 300 से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए शायद ये आज का सबसे पोषक और भरपूर खाना होगा। खाना शुरू करने से पहले बच्चे प्रार्थना के जरिए धन्यवाद करते हैं। ये खाना अक्षय पात्र फाउंडेशन के मेगा किचन की तरफ से मुहैया कराया गया है। अक्षय पात्र का नाम हिंदू ग्रंथ महाभारत में मिलता है और उसी पात्र के भोजन की तरह ये खाना भी कभी खत्म नहीं होता। सांभर राइस सब आता है, सांभर में सब सब्जियां मिक्स रहते हैं। खाना अच्छा बना रहती ना, उसी से अच्छा लगता है। खाने में कैरेट है, बीटरूट है, आलू भी है, साथ में पालक है, ये सब होता है। हफ्ते में हमें 3 दिन दूध मिलता है और 2 दिन मिठाई। शनिवार के एक बार पुलाव आता है, अठवाड़े में 3 बार दूध आता है। उन्हें अच्छा बनाया जाता है, उसलिए अच्छा लगता है। ये उन 14 लाख बच्चों में से सिर्फ कुछ बच्चे हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े स्कूल लंच प्रोग्राम से लाभ मिल रहा है। यहाँ के लोग दिन में 3 बार का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। अक्षय पात्र पिछले 8 साल से इस स्कूल में आने वाले बच्चों को खाना खिलाता आया है, तो उनके पौष्टिक और भरपूर खाना खाने की वजह से बच्चों में कई बदलाव भी आए हैं। बच्चे स्कूल आते हैं ना सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि खाने के लिए भी। उनको मिल्क मिलता है, स्वीट मिलती है, राइस भी मिलता है, पेट भर के राइस। ओके। अक्षय पात्र की मिड डे मील सर्विस को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली है, लेकिन इस मेगा किचन का कामकाज खाना बनाने के बाद खत्म नहीं हो जाता। किचन के अधिकारी स्कूलों में नियमित रूप से जाकर उनकी राय हासिल करते रहते हैं।
ऐसा डेली बेसिस पर तो होता ही है। साथ ही पूरे देश में काम कर रही इस फाउंडेशन के चेयरमैन भी स्कूलों में अक्सर आते जाते रहते हैं। ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आज मैं स्कूल आया हूँ, मैं यहाँ बच्चों से मिला और मैंने उनसे खाने के बारे में पूछा है। मैंने उनसे यही सवाल पूछे हैं कि उन्हें जितना खाना चाहिए क्या उन्हें मिल रहा है, क्या वो खाना टेस्टी है। इसके अलावा मैं उनसे ये भी पूछ रहा हूँ कि उन्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। आज मैंने जिन बच्चों को देखा है उनके चेहरे पर बहुत चमक नजर आई, उनमें काफ़ी एनर्जी थी, so much of life in them, और definitely खाना एक वजह है। Impact studies के जरिए ये पता चला है कि इस तरह के meal programs की वजह से बच्चे स्कूल ज्यादा आते हैं और ज्यादा बच्चे दाखिला भी ले रहे हैं। इन दोनों बातों के बीच सीधा संबंध है। जितना ज्यादा ताज़ा और सेहतमंद खाना होगा, स्कूल में बच्चों की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए अक्षय पात्र साल 2020 तक अपने मेगा किचन्स को बढ़ाकर अपनी सेवाएं 50 लाख बच्चों तक पहुंचाना चाहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम जरूरतमंद बच्चों में से सिर्फ 1.5 से 2% बच्चों को ही खाना खिला पा रहे हैं, तो अगर हम 50 लाख को भी खाना खिलाएंगे तो ये भी बहुत ही छोटा परसेंटेज होगा। अक्षय पात्र एक और काम कर रहा है, वो दूसरे एनजीओस को भी प्रेरणा दे रहा है। हमारे किचन जैसी किचन बनाइए, हम उन्हें मुफ्त में टेक्नोलॉजी और जानकारी वगैरह देते रहते हैं ताकि इस काम में दूसरे एनजीओस भी हिस्सेदारी करें, और अगर बाकी एनजीओस भी इस प्रोग्राम से जुड़ेंगी तो वाकई बहुत अच्छा होगा, हमारी कंट्री का तो कायाकल्प ही हो जाएगा। इधर किचन में अगले दिन की तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। वैन्स अपनी रूट से लौटकर खाली बर्तनों को धुलाई के लिए उतार रही हैं। कुकिंग एरियाज को अच्छी तरह धोकर स्टीम के जरिए साफ किया जाता है। प्रेप फ्लोर पर कर्मचारी एक बार फिर नए जोश के साथ सब्जियां काटने में व्यस्त हो गए हैं। बहुत खुशी होती है बच्चे खाना खाने का, वो भी बच्चे हम दुआ देंगे, उनके माँ बाप भी दुआ देंगे और हमें भी उनकी दुए सी और थोड़ा तंदुरुस्ती से काम करेंगे सब। जहाँ तक इस मेगा किचन से सबसे ज्यादा फायदा पाने वालों की बात है, तो दुनिया के इस सबसे बड़े स्कूल लंच प्रोग्राम के बारे में क्या कहा जाए, इसका सबूत तो यहाँ खेल के मैदान में साफ नजर आ रहा है।